हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की वीडियो टैली प्राइम की है। आप टैली ईआरपी 9 में भी लगभग इसी तरह से काम कर सकते हैं। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को आ रही है क्योंकि टैली प्राइम में अपग्रेड हो गया है टैली ईआरपी 9। तो डरने की बात नहीं है, कुछ लोग अभी टैली ईआरपी 9 यूज कर रहे हैं तो काम करने का तरीका लगभग एक ही है। आप उसमें घबराइए मत, आप काम करते रहिए और कोई दिक्कत आती हो तो कॉमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लीजिए। तो ये वीडियो प्राइस जैसे मान लीजिए कि कभी कभी क्या होता है कि स्टैंडर्ड रेट हम निर्धारित कर देते हैं किसी चीज के लिए, ठीक है। जैसे बात करें राइस की, तो अगर मई में हमने राइस 30 रुपए किलो तो जून में 31 रुपए किलो, ऐसे करके स्टैंडर्ड रेट कभी कभी निर्धारित कर दिए जाते हैं कि इस महीने के लिए ये रेट, इस महीने के लिए ये रेट। तो ये कहां से होगा, तो इसके लिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो चलते हैं परचेज वाउचर में। आप इसके लिए परचेज और सेल्स दोनों में अलग अलग रेट निर्धारित कर सकते हैं। कैसे करेंगे आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ परचेज वाउचर में आने के बाद सप्लायर का इनवॉइस नंबर दे देता हूं और वो डेट आएगी जिस डेट पर आप ये काम करेंगे परचेज या सेल्स का, ठीक है। देखिए यहाँ पे जून आ रहा है, ठीक है, मैं यहाँ पे डेट चेंज कर लेता हूँ। डेट चेंज करने के लिए आपको F2 प्रेस करना है। यहाँ पे कर देता हूँ 1/4, यानी अप्रैल की बात करेंगे, 1/4/2020, ठीक है, 2020। ये कर दिया हमने, प्रिपेयर किया, आपको दिखा देता हूँ ये काम कैसे करेगा, फिर हम इसको सारी चीजें सीखेंगे कैसे एक्टिवेट करना है क्या करना है। यहाँ परचेज अकाउंट आ गया। अब यहाँ पर मान लीजिए मैं राइस की बात करता हूं, देखिए डेट, देखिए डेट 1 अप्रैल 2020 है, यहां पर भी देख सकते हैं और यहां पर भी देख सकते हैं, ठीक है। यहां पर डेट मैं अभी चेंज नहीं कर रहा, यहां पर सिर्फ आर प्रेस करता हूं। राइस नाम का स्टॉक आइटम हमने बना रखा है, ठीक है। अगर 2 किलो चावल हम खरीदते हैं तो उसका रेट 30 रुपए है, अप्रैल की बात कर रहा हूं, ये ध्यान दीजिएगा। एंटर प्रेस किया, ठीक है। आप सीजीएसटी एसजीएसटी जो लगाना है लगा सकते हैं, एंटर प्रेस करके इसे एक्सेप्ट करा लिया हमने। अब यहां पर डेट चेंज करता हूं, जून की बात कर लेते हैं, एक या जुलाई की बात कर लेते हैं, 1/7/2020। अगर हमको 1/7/2020 में एंट्री पास करनी हो पे 19C परचेज अकाउंट कर दिया, ठीक है। अब यहां पर फिर हम ले लेते हैं राइस, तो आर प्रेस किया, राइस आ गया, ठीक है, एंटर प्रेस किया। अब यहां पे क्वांटिटी 1 किलो ले रहा हूं मैं, 1 किलो की कीमत कितनी आ रही है, देखिए यहां पे 32 रुपए आ चुका है। जुलाई की बात करें तो जुलाई महीने में हमें 32 रुपए चावल मिलेगा, ठीक है, इसको एक्सेप्ट करा लेता हूं। यहां से पहले एंड ऑफ लिस्ट करते हैं और एंड ऑफ लिस्ट करके इसे एक्सेप्ट करा लेते हैं, ठीक है, ये एक्सेप्ट हो गया। इसके बाद अगर जून महीने में हम जाना चाहते हैं तो बी प्रेस कर लेता हूं एक बार और, यहां से बाहर आके और यहां से वी प्रेस करके और यहां पर सप्लायर का इनवॉइस नंबर डाल दिया और फिर यहां पर आ जाते हैं, पुनीत सी कर लेता हूं और यहां पर परचेज अकाउंट 2 प्रेस करता हूं, 1/6/2020। यहाँ पे आर प्रेस करता हूं, आर राइस आ गया, 1 किलो चावल, तो 1 किलो चावल हमें 33 रुपए किलो के हिसाब से मिलेगा। इस तरह से हम ये स्टैंडर्ड रेट सेट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये हमने सेट तो कर दिया लेकिन ये कैसे हुआ कैसे वो बता देता हूं। जैसे मान लीजिए यहां पर रहते हुए आपको वी प्रेस करना है, जैसे ही वी प्रेस करेंगे तो यहां पर मांगेगा सप्लायर का इनवॉइस नंबर, आप डाल दीजिए, ठीक है, एंटर प्रेस करके नीचे आइए और यहाँ पर क्रिएटर पार्टी का लेजर तो बनाना आप जानते हैं, एंटर एंटर प्रेस करके और फिर नीचे आ जाइए, फिर इसको भी एक्सेप्ट करा लीजिए, फिर यहाँ पर आइए एक्सेप्ट करा करके। अब यहाँ पे स्टॉक आइटम आपको बनाना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर एक स्टॉक आइटम बना रहा हूं, ठीक है, पल्स का, दाल का, तो यहाँ पे पल्स कर देता हूं, ठीक है, एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया। यहां पर आएंगे तो यहाँ प्राइमरी का ग्रुप आ रहा है, लेकिन अब हमें यहाँ पे जाना नहीं है, ठीक है, हमें करना क्या है वो बता देता हूँ। यहां से पहले नो कर दीजिए इसे और यहां पर आ जाइए। अब यहां पर आपको F12 की प्रेस करनी है, जैसे ही F12 की प्रेस करेंगे तो ये कॉन्फ़िगरेशन की विंडो ओपन हो जाएगी, आप F12 प्रेस कीजिएगा, F11 नहीं प्रेस कीजिएगा, ठीक है। यहां पर कभी कभी ये इतने सारे ऑप्शन आपको दिखाएंगे नहीं, तो आपको क्या करना है, यहां पर जब आपका ऑप्शन नहीं दिखाएगा तो यहां नो रहेगा, तो नीचे देखिए कुछ ऑप्शन घट गए, यहां पर भी अगर नो रहे तो बहुत सारे ऑप्शन आपको नहीं दिखाई पड़ेंगे। अगर ऐसी स्थिति आपके साथ आती है तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले यहां पर आ जाना है और यहां पर वाई प्रेस कर देना है, एंटर प्रेस कीजिएगा तो आपको बहुत सारे ऑप्शन डिस्प्ले होने लगेंगे, फिर यहां पर भी वाई प्रेस कर दीजिएगा तो ये सारे ऑप्शन आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। अब आपको नीचे आना है और नीचे कहां आना है, यहां पर आना है, प्रोवाइड स्टैंडर्ड बाइंग एंड सेलिंग रेट्स, ठीक है, वाई प्रेस करके एंटर प्रेस कर दीजिए और इसे एक्सेप्ट करा लीजिए एंटर प्रेस करते हुए, ठीक है। अब यहां पर जैसे ही आइएगा आप तो यहां पर अंडर पूछ रहा है, अंडर किसके अंडर इसे डालना है, तो इसे हम प्राइमरी के अंडर रखते हैं अभी। और यहां पर जैसे मान लीजिए पल्स है तो ये केजी के हिसाब से बिकेगा,
अगर आपने यूनिट नहीं बनाया तो ऑल्ट के साथ सी प्रेस करके यूनिट बना सकते हैं। मैंने बना लिया है तो मैं केजीएस रख देता हूं इसको, ठीक है। अब यहां पर जैसे ही एंटर प्रेस करता हूं तो नीचे देख सकते हैं सेट स्टैंडर्ड रेट्स आ रहा है, तो इसके लिए स्टैंडर्ड रेट सेट करना है। मैं तो वाई प्रेस कर देता हूं इसे। अब यहां पे आ रहा है 1 अप्रैल। अगर आप डेट चेंज करना चाहते हैं तो डेट चेंज भी कर सकते हैं, यहां पे जाकर के 1/5 कर दीजिएगा तो 1 मई हो जाएगा ये। 1/5/2020 मैं लिख देता हूं, तो ये देखिए 1 मई हो चुका है ये, ठीक है। तो ये जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है ये परचेज वाली प्राइस है, ठीक है। और यहां पर इस साइड में देख रहे हैं आप स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस, आप किस प्राइस पर सेल करेंगे वो चीज इधर आ रही है, ठीक है। तो यहां पर जैसे मान लीजिए कि पल्स जो है हम 110 रुपए मान लीजिए, ठीक है। तो ये 110 रुपए आ गया मई का रेट, ठीक है। अब यहां पर लिखता हूं 1 JUN जून 2020। जून का रेट क्या होगा? जून का रेट होगा 90 रुपए किलो, ठीक है। तो यहां 90 कर दिया, ठीक है। इसी तरह से जुलाई का रेट क्या होगा? तो यहां पे कर देता हूं 1 जुलाई 2020, ठीक है। तो जुलाई का रेट आ जाएगा यहां पे, जैसे मान लीजिए मैंने यहां कर दिया 70 रुपए, तो जुलाई में रेट 70 रुपए हो गया। आप इसी तरह से सेलिंग का भी प्राइस डिसाइड कर सकते हैं। अगर आप नहीं रखना चाहते सेलिंग का प्राइस तो कोई बात नहीं, कंट्रोल ए प्रेस कर दीजिए, ये एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से कंट्रोल ए प्रेस करके आ जाइए। अब यहां पे क्वांटिटी आ रही है, 1 किलो दाल की कीमत। अब देखिए ये महीना कौन सा है? जून का महीना है, ठीक है, ठीक है। हमने मई से रेट निर्धारित करना शुरू किया, मई से ही ले लेते हैं 1/5/2020 कर दिया हमने, एंटर प्रेस कर दिया, ठीक है। यहां पर अभी जून ही आ रहा है, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। यहां पे जाकर 1/5/2020 आप यहां लिख देंगे तो यहां पे मई आ जाएगा, तो ये मई आ गया। अब एंटर प्रेस कीजिए और ये सारी डिटेल्स को एक्सेप्ट कराते हुए यहां पर आना है हमें, ठीक है। अब पल्स हम खरीद रहे हैं, 1 किलो पल्स हम खरीद रहे हैं, ठीक है, मई महीने में। तो 110 रुपए याद है हमने दिया था कॉस्ट, तो यहां पे 110 रुपए आ गया, ठीक है। अब इसे आप एक्सेप्ट करा सकते हैं, ठीक है, आप इसे एंड ऑफ लिस्ट कर लीजिए और इसे एक्सेप्ट करा लीजिए, ठीक है, ये हो गया। अब यहां पे डेट चेंज करता हूं, F2 प्रेस करता हूं, 1/6/2020 करता हूं, ठीक है, 1/6/2020 और एंटर प्रेस कर दिया, ठीक है, एंटर प्रेस कर दिया। यहां पर भी दे देता हूं 1/6/2020, ओके, एंटर प्रेस किया। अब यहां पर जैसे ही आएंगे तो पुनीत सी कर दिया हमने, एंटर प्रेस किया, परचेज अकाउंट का लेजर आ जाएगा, ठीक है, आ गया। अब यहां पर पल्स की बात करेंगे, पी प्रेस करता हूं पल्स, ठीक है। 1 किलो दाल हम खरीद रहे हैं। अब देखिए इस बार जून की बात है, तो जून में कितना रेट आ गया? 90 रुपए किलो आ गया, यही तो रेट हमने सेट किया था। एंटर प्रेस किया और इसे करा लिया एक्सेप्ट,